गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले क्लास में हम लोगों ने चैप्टर 5 का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट कर रहे थे, स्टार्ट किया था मैंने आपको। तो मैंने कहाँ तक पढ़ा बताया था स्टोरी आपको? मैंने बताया था कि सिंड्रेला जो थी उसको एक परी मिली, परी आई थी उसके घर पे, जिन्होंने उसको बहुत सारी चीज़ें दी उसे, और उसके बाद में उसे कहा पार्टी में जाने के लिए, कहा कि आप तुम वहाँ जा सकते हो। उसको बहुत सारे हॉर्सेस मिले, अरेबियन हॉर्सेस थे, कोचमैन था, ला पैरट जो एक था उनका पुराना, उसको उन्होंने किसमें कोचमैन में कन्वर्ट किया था उसे, जो और जो शी टर्न्ड 6 एंड इनटू 6 बॉडीगार्ड्स, उसके बॉडीगार्ड्स में कन्वर्ट किया था। उसके बाद में स्टोरी आगे देखते हैं हम। बट हाउ कुड सिंड्रेला गो टू द बॉल इन सच अ शैबी रैग्ड क्लॉथ्स। सिवा सिंड्रेला जो थी वो इस तरह गंदे कपड़ों में, बाकी चीज़ें तो उससे मिल गई थी लेकिन इतने गंदे कपड़े थे उसके, वो ऐसे कैसे जाती? शी लुक्ड एट हर क्लोथ्स, वो अपने कपड़ों को देखने लगती है। विद हर मैजिक वैंड द फेरी टच्ड हर क्लॉथ्स, जो उसके फेरी के पास में जो जादू की छड़ी थी उससे क्या क्या उसने, परी ने, उसने उसके कपड़े, जो सिंड्रेला थी उसके कपड़े को टच किया। हर क्लॉथ्स चेंज इंटू अ मोस्ट मैग्निफिशेंट बॉल गाउन एम्ब्रॉयडर्ड विद गोल्ड एंड सिल्वर थ्रेड। उसके बाद में जो उसका, जो उसके कपड़े रहते हैं सिंड्रेला के, वो किस में चेंज हो जाते हैं? बहुत ही सुंदर सा गाउन में चेंज हो जाता है, जो गोल्ड और सिल्वर से, सिल्वर एम्ब्रॉयडर्ड गाउन होता है। स्ट्रट द प्रीशियस जेम्स ऑन द कॉलर, ऑन हर फीट सी हैड ब्यूटीफुल सिल्वर सोज, और उसके पैरों में सुंदर सी सोज होती है सिल्वर कलर की, कवर्ड विथ क्रिस्टल, जो कि क्रिस्टल से कवर होती है। शी लुक मोस्ट ग्रेसफुल इन हर ड्रेस, और वो उस ड्रेस में बहुत ही सुंदर लग रही होती है। एज सिंड्रेला मैरी क्लाइम्ब इनटू द कोच, द फेरी वॉर्न्ड एंजॉय योर सेल्फ बट रिमेंबर एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट ऑल द मैजिक विल वैनिश एंड विद इट ऑल द मैग्निफिशेंट थिंग्स यू नाउ हैव, एवरीथिंग विल बी एज इट वॉज, यू मस्ट रिटर्न बिफोर दैट। वो कहती है सिंड्रेला जाने के लिए तैयार हो जाती है। उसके बाद में क्या होता है, फेरी जो होती है वो उसको बोलती है, वॉर्न करती है, कहती है कि वहाँ पर जाना तुम इंजॉय करना, बट एक चीज़ याद रखना, तुम कि अगर इस ड्रेस को पहनने के बाद जब रात में 12 बजेंगे, मतलब कि मिडनाइट होगा, तो उससे पहले ही तुम्हें वहाँ से वापस आना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा तुमने नहीं किया, तुम वहाँ से वापस नहीं आए, तो जितने भी मैजिक है सब वैनिश हो जाएगा, सारे मैजिक ख़त्म हो जाएंगे। एज सिंड्रेला मैरिली क्लाइम्ड, कंप्लीट हो गया टॉपिक हमारा। नेक्स्ट है एज द वॉल एवरी वन वॉज अमेज्ड टू सी हर ब्यूटी, एवरी वन वंडर्ड हु शी कुड बी, नो वन हैड सीन हर बिफोर, हर ब्यूटी आउटशोन एवरी अदर लेडी इन द हॉल। व्हेन द प्रिंस सॉ हर ही फेल इन लव विद हर एट द फर्स्ट साइट, ही वुड डांस विद नो वन एल्स बट हर। उसके बाद क्या होता है, उन्होंने फेरी होती है उसको वार्न करती है कि वहाँ जाना, लेकिन मिड नाइट से पहले तुम्हें वहाँ से रिटर्न हो जाना है, रात में 12 बजे से पहले वही लगभग समय में, तो वहाँ से तुम्हें वापस हो जाना है, अगर वहाँ से वापस नहीं होगी तो जितने भी सारी मैजिक है सब ख़त्म हो जाएंगी। तो वो वहाँ से चली जाती है, वहाँ पहुँचती है जहाँ पे डांस प्रोग्राम होता है, जो प्रिंस होते हैं वहाँ पे डांस प्रोग्राम करते हैं, वहाँ पे वो पहुँचती है। सब लोग उसकी ब्यूटी देख के अमेज हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा चकित हो जाते हैं, और सब लोग उसको देखने लगते हैं, जितनी भी वहाँ हॉल में लड़की लेडीज़ और लेडी होती हैं सब देखने लगते हैं। और जब प्रिंस ने उसको देखा तो क्या होता है, उसे फर्स्ट साइट में ही उससे लव हो जाता है, ही वुड डांस विद, और उसके बाद में वो उसके साथ में डांस कर, उसके अलावा किसी के साथ में डांस करना नहीं चाहता। सिंड्रेला डांस ग्रेसफुली थ्रू द इवनिंग इनटू द डीप नाइट, और वो सिंड्रेला डांस करने लगती है प्रिंस के साथ में। शी फॉरगेट ऑल हर गोल एज द लार्ज क्लॉक ऑन द टावर बिगिन स्ट्राइक 12, शी अवोक फ्रॉम
क्या होता है, जैसे ही वो क्या करता है, सब कुछ वो भूल जाती है क्या चीज़ फेरी ने उसको कहा होता है। उसके बाद क्या होता है, जो क्लॉक रहता है वो जैसे ही 12 पे जाता है वो देखती है, अब पेज नंबर 32 ओपन करेंगे सभी लोग अपने फैंसी। शी लुक्ड एट द क्लॉक इन डिसबिलीफ एंड गॉट हरसेल्फ फ्रीड फ्रॉम द प्रिंस एंड रैन टुवर्ड्स द एग्जिस्ट इवेंट विदाउट सेइंग गुड बाय टू द प्रिंस। उसके बाद क्या होता है, जैसे ही वो देखती है घड़ी की तरफ, क्लॉक की तरफ देखती है कि टाइम हो चुका है, वो तुरंत वहाँ से भागती है, बिना प्रिंस को गुड बाय कहे भी तुरंत वो वहाँ से चली जाती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 सी वॉज डिसेंडिंग डाउन द स्टेयर्स ऑलमोस्ट रनिंग। उसके बाद क्या होता है, वो तुरंत ही वहाँ से नीचे की तरफ सीढ़ियों से उतरने लगती है, तेज़ी से भागती है। 7, 8, 9, 10 शी कुड सी हर मैग्निफिशेंट कोच ऑन द पैलेस एंट्रेंस। शी फेल्ट दैट द प्रिंस वॉज कमिंग आफ्टर हर। सी स्ट्रिप्ड ऑन हर शूज वुड ऑफ बट शी कंटिन्यू टू डिसेंड द स्टेयर्स। 11 शी वॉज एट द एंट्रेंस ऑफ द पैलेस एज सी वॉज अबाउट द टच द कोच द टावर क्लॉक स्ट्रक द 12th टाइम ऑल द मैजिक वैनिश्ड इनटू थिन एयर। उसके बाद क्या होता है, जब वहाँ से वो आए वापस आ जाती है, आती है वो, क्या होता है जैसे ही टाइम होता है वैसे ही क्या हो जाता है, सारा मैजिक जो होता है वो गायब होके हो जाता है, वो एक थिन एयर बन जाता है सारे मैजिक। शी लुक अराउंड हेल्पलेसली, वो चारों तरफ अपने देखती है बिल्कुल। शी वॉज इन हर रैक्स वंस अगेन। उसके बाद फिर से वो अपने उसी पुराने कपड़ों में आ जाती हो जाती है रहती है, उसकी सारी जो ड्रेस रहते हैं वो सब गायब हो जाते हैं, क्योंकि वो जो जैसी रहती है उसी तरह से अपने पुराने ड्रेस में आ रहती है, वो आ जाती है। एज शी मेड हर वे टुवर्ड्स हर हाउस सी रियलाइज दैट ऑल द मैजिक हैड नॉट क्वाइट गॉन। शी स्टिल हैड वन शू ऑन हर वन फुट। शी लुक्ड इट इन हर हैंड एंड वॉक्ड बेयर फुटेड। उसके बाद क्या होता है, जब वो वहाँ से भाग रही होती है तो उसका एक जो सैंडल होता है वो वहीं पे, जो उसकी शूज़ होती है वो महल में छूट जाती है। और क्या होता है, वो जब घर आती है देखती है कि उसके पैर में एक ही शूज़ होते हैं और वो एक पैर वैसे ही भाग के आती है, एक नंगे पैर रहता है उसका, जो वैसे चली आती है। व्हेन द प्रिंस सॉ द सिंड्रेला रनिंग आउटसाइड ही केम आफ्टर हर। ही सॉ हर tripping on the stair and leaving behind her one shoe. He picked up the shoe but he could not find her. He did not know even her name and address. Prince uske piche wo bhi daud ke aata hai, dekhta hai use kahin pe bhi Cinderella dikhai nahi deti hai. Fir wo seedhiyon pe aata hai, usne kya dekha ki uska ek shoe Cinderella ka wahan pe pada hua hota hai, usko uthata hai, लेकिन वो उसको कहीं ढूंढ नहीं पाता क्योंकि उसको ना उसको नाम पता होता है ना उसका सिंड्रेला का एड्रेस पता होता है। द प्रिंस वांटेड टू मैरी हर, जो प्रिंस होता है वो उससे शादी करना चाहता है। सो ही डिक्लेयर्ड दैट ही वुड मैरी द गर्ल हु हैड लेफ्ट हर शो ऑन द स्टेयर्स। अ सर्च वॉज ऑर्डर्ड फॉर द गर्ल। ही ऑर्डर्ड द soldiers to look for the girl on whose foot the shoes fitted properly. They visited Cinderella's house too. उसके बाद क्या होता है, वो डिक्लेयर कर देते हैं कि मैं उसी लड़की से शादी करूँगा जिसका सू जो होता है वो सीढ़ियों पे छूट जाता है। तो उसने क्या क्या ऑर्डर किया कि उस लड़की को ढूंढने के लिए ऑर्डर दिया, जो उनके सोल्जर्स होते सिपाही उसको ढूंढने के लिए किया, कहा कि जाओ जिस लड़की को ढूंढो जिसके पैरों में ये सू जो है वो फिट हो जाए प्रॉपरली, पैर में उसके आ जाए। तो सब लोग जाते हैं सिंड्रेला के घर भी जाते हैं। सिंड्रेला स्टेप सिस्टर ट्राइड टू पुट ऑन द शूज बट इन वेन। द शू वॉज टू टीनी टू फिट ऑन देयर फीट। एज द रॉयल सोल्जर्स वर अबाउट टू लीव द लीडर आस्क्ड इज देयर एनी अदर लेडी इन द हाउस।
उसके बाद क्या होता है, वो उसकी जो सिंड्रेला के घर पे आते हैं जब सोल्जर्स, तो सिंड्रेला की जो स्टेप सिस्टर्स होती हैं, सवाई सौतेली सिस्टर्स जो होती हैं, वो शूज पहन के देखती हैं लेकिन उनके पैरों में नहीं होता है। उसके बाद में वो लोग वहाँ से चलने ही वाले रहते हैं, लेकिन जो उनका लीडर सोल्जर होता है वो कहता है कि कोई लेडी घर में और है। यस देयर इज़ आवर मेड सर्वेंट बट शी कुडंट, वो कहता है हाँ हमारी एक मेड सर्वेंट है लेकिन वो है नहीं, उसका नहीं हो सकता है। कॉल हर हेयर ऑर्डर द लीडर, लीडर कहता है उसको बुलाओ, वो ऑर्डर देता है कि हाँ उसको बुलाओ। व्हेन सिंड्रेला वॉज अबाउट टू सिट ऑन द चेयर टू फ्राई द सूप ऑन हर स्टेप सिस्टर्स कमेंटेड द प्रिंस वुड नेवर मैरी यू। उसके बाद जैसे ही सिंड्रेला वहाँ आती है और चेयर पर बैठती है और सूप ट्राई करने लगती है, तो उसकी जो स्टेप सिस्टर्स होती हैं उस पर कमेंट करती हैं कि जो प्रिंस है तुमसे कभी शादी नहीं करेगा। पीस नंबर 33 देखते हैं। अनफेज़ सिंड्रेला सैट डाउन कामली, द शू फिटेड ऑन हर फुट परफेक्टली, हर स्टेप सिस्टर हैज नो मोर रीजन टू बी एस्टॉनिश्ड व्हेन दे सॉ हर ब्रिंग फ्रॉम अ हिडन प्लेस द अदर शू टू पुट इट ऑन। उसके बाद क्या होता है, सिंड्रेला चुपचाप से बैठ जाती है और जो शू होता है, शू जो होता है उसके पैर में फिट आ जाता है, और जो उसकी सिस्टर स्टेप सिस्टर होती हैं वो लोग भी देखती हैं कि उसके पैर में ऑलरेडी एक सूच होता है रहता है। एज द रॉयल सोल्जर गाइडेड सिंड्रेला टू कोच टू गो टू द प्रिंस, द टू स्टेप सिस्टर कपल्ड विद देयर मदर बेक्ड ऑफ हर टू फॉरगिव देम फॉर देयर मीन बिहेवियर विच ऑफ कोर्स सी डिड। उसके बाद में क्या होता है, जैसे ही जो सोल्जर्स होते हैं वो सिंड्रेला को कहते हैं कि वहाँ जाने के लिए, प्रिंस के पास जाने के लिए, तो उसकी जो दोनों स्टेप सिस्टर्स होती हैं और जो उसकी मदर होती हैं वो लोग उससे क्षमा मांगने लगती हैं, सिंड्रेला से कहती हैं कि जो भी मैंने किया उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। द प्रिंस एट वंस रिकॉग्नाइज सिंड्रेला, सून आफ्टर दे वर मैरी एंड लिव हैप्पीली एवर आफ्टर। उसके बाद में सिंड्रेला जाती है वहाँ पे उस जल्दी ही, और उसके बाद में प्रिंस जो होता है वो सिंड्रेला से शादी कर लेता है और वो लोग दोनों हैप्पीली वहाँ पे रहने लगते हैं। तो ये हमारी आज यहाँ पे पेज नंबर 33 तक हमने स्टोरी कंप्लीट कर ली है, चैप्टर 5 का। तो इसको आप लोग एक बार पढ़ेंगे और रीडिंग अपने बुक से कर लेंगे सभी लोग। नेक्स्ट टर्न पर हम लोग उसके एक्सरसाइज करेंगे, क्वेश्चन आंसर जो भी फिल इन द ब्लैंक्स हैं सब कम्प्लीट करेंगे।